नमस्कार, मैं वंदना वर्मा, एसवीएन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपना घर मामले में सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। शहर में जगह जगह लगाई गई ठंडे पानी की छबीलें। गेस्ट टीचरों की बैठक का हुआ आयोजन। मदनी खेल प्रांगण में वुशु प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का हुआ वजन। अब खबरें विस्तार से। रोहतक के एनजीओ अपना घर की संचालिका जसवंती नरवाल सहित 7 आरोपियों को आज रोहतक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सभी आरोपियों की अगली पेशी 15 जून को होगी। रोहतक के एनजीओ अपना घर की संचालिका जसवंती नरवाल पर महिलाओं और बच्चियों के यौन शोषण, मानव तस्करी, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहित अनेक आरोप हैं। 9 मई को राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम ने छापा मारकर एनजीओ की इस हकीकत का पर्दाफाश किया था। इस मामले में अभी तक जसवंती समेत 7 लोग आरोपी हैं। जसवंती के वकील जेके गखड़ ने बताया कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है। जसवंती समेत 7 आरोपियों की इस मामले में आज पेशी हुई है और 15 जून को अगली सुनवाई होगी। सर, आज कितने अक्यूज़ की कोर्ट में पेशी हुई और कब तक उन्हें जुडिशल भेजा? 7 अक्यूज़ हैं और उनको जुडिशल में भेजा है और नेक्स्ट डेट 15 छह। कोई खास निर्देश कोर्ट के? कुछ नहीं, सिर्फ जुडिशल में भेजनी है, 14 दिन वाली डेट लगी है एंड दे विल कीप ऑन वेटिंग टिल द चालान इज फाइल। जसवंती थी, उसकी लड़की, उसका भाई जगवंत, जसवंत, जय भगवान एंड 2-3 और। पिछले काफी समय से शहर और गांव में बिजली की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस चौक स्थित बिजली निगम के ऑफिस के आगे सरकार का पुतला फूंका। आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार कपूर ने कहा कि बिजली की कटौती के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात इतने बुरे हैं कि बिजली शहर में केवल 6 घंटे ही आती है, जबकि गांव में तो हालात इससे भी बुरे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 24 में से 24 घंटे बिजली दी जाए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विद्युत विभाग के ये सबसे सुप्रीम ऑफिस के बाहर आज हमने बिजली विभाग का पुतला दहन किया है। पूरी रोहतक की जनता, हरियाणा की जनता बिजली और पानी के लिए त्राही माम कर रही है। शहरी इलाकों में दिन में मुश्किल से 6 घंटे बिजली ये सरकार दे रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे ये सरकार बिजली दे रही है। हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मांग करते हैं कि 7 साल उनको हरियाणा में शासन में हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक हरियाणा की जनता को मूलभूत सुविधाएँ तक मुहैया नहीं करवा पाए, और हम उनसे चाहते हैं कि वो तुरंत इस हमारी समस्या का समाधान करें और रोहतक की जनता को 24 में से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। यही भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांग है। शहर में आज एकादशी के अवसर पर जगह जगह मीठे पानी की छबीलें लगाई गई और इस गर्मी के मौसम में लोगों ने ठंडा और मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। आज सुबह से ही एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न चौकों और कॉलोनियों में मीठे पानी की छबीलें लगाई गई थी। मॉडल टाउन, डी पार्क, जिला कोर्ट, पावर हाउस और सोनीपत स्टैंड पर पानी पीने वाले लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। पिछले काफी समय से लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन आज के दिन लोगों ने ठंडा और मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। शायद ठंडा और मीठा पानी पीकर शहरवासियों को थोड़ी बहुत राहत गर्मी से अवश्य मिली होगी। पानी पिलाने वाले रामनिवास ने बताया कि जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है तब एकादशी का त्यौहार आता है।
ताकि इस गर्मी के मौसम में लोगों को कुछ राहत मिल सके। ये गर्मी का महीना चरम सीमा पर होता है और एकादशी का जो है ना दिन हमारे हिंदू धर्म में महत्व का माना गया, इसलिए जो है ना ये एकादशी का ठंडा पानी शीतल जल पिलाया जाता है। वहीं नरेश कुमार ने कहा कि वे इस दिन हर साल लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं और भंडारा भी लगाते हैं। ये मतलब एकादशी का मतलब ये इसलिए वो किया जाता है, मतलब ये अपने पितरों को मतलब अपने जल अर्पण हो जाए, उनको जल मिल जाए, मतलब इसलिए ये किया जाता है एकादशी का। ना उसमें यही है कि अपना ये एक साल के अंदर आता है, इस रूप में अपने पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए मतलब ये जल का मतलब गर्मी का मौसम होता है, एकादशी का सबसे बड़ा वो है, इसलिए अपने पितरों के लिए उनको ये हो जाए कि जल की कमी हो तो उनकी पूर्ति हो जाती है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद की खबरें होंगी। गेस्ट टीचरों की बैठक का हुआ आयोजन। मदवी खेल प्रांगण में वुशु प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का हुआ वजन। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, देखते रहिए एसवीएन न्यूज। खबरें नहीं, मुद्दों को उठाना है, सामाजिक सरोकार की बातों को, राजनीति, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ, खेल की खबरें, शिक्षा या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपराध जगत की खबरें, ये सारी जानकारियाँ आपको देगा केवल एसबीएन न्यूज, आपका अपना न्यूज बुलेटिन। ब्रेक के बाद एसबीएन न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। स्थानीय मानसरोवर पार्क में आज गेस्ट टीचरों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की गई। इस संबंध में गेस्ट टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जय भगवान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नुकसान गेस्ट टीचर्स को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आगे से उनके हितों का ख्याल नहीं रखा तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार चाहती है, हरियाणा सरकार चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हैं, उस नीति से काम नहीं करे, कोताही करते हैं। जैसे 2010 में एक लेटर जारी हुआ था, उसमें प्रावधान था कि जब तक हरियाणा स्टेट में वैकेंसी आए तब तक गेस्ट टीचर के स्थान पर नियमित नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन पीछे जो एक यूनिवर्सिटी लिस्ट आई और एक दो छोटी मोटी लिस्ट, उसमें देखा गया कि हमारे जिला वैकेंसी रहते हुए भी अधिकारी कोताही से और संवेदनशील न होने के कारण हमारे साथी उठा दिया गया, जो इनमें से पांच-सात साथी ऑन रोड है, तो उससे हमें आर्थिक परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है और बजट भी गड़बड़ाता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करते हैं कि भविष्य में अगर हमारे इतना ध्यान नहीं रखा गया, चाहे वो जिला प्रशासन है चाहे वो उच्च अधिकारी है, तो हम रोहतक के गेस्ट टीचर एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2 जून से नेशनल वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनका आज वजन किया गया। कल से इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए खिलाड़ियों में होड़ शुरू हो जाएगी। नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन मदवी में पहली बार किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अपना घर मामले में सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। शहर में जगह जगह लगाई गई ठंडे पानी की छबीलें। गेस्ट टीचरों की बैठक का हुआ आयोजन। मदवी खेल प्रांगण में वुशु प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का हुआ वजन।
तो ये थे आज के समाचार, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।